कहना इस बयान को लेकर? देखिए, आदरणीय भागवत जी का बयान बिल्कुल सत्य है और सारे संत महात्मा उनका समर्थन इसलिए करते हैं कि ओवैसी जी अपने पूर्वजों पर ध्यान दें तो वो पहले हिंदू ही रहे होंगे। भारत में रहने वाला हर मुसलमान पहले हिंदू था, हर कृष्ण पहले हिंदू था। ये तो लोगों ने लालच में, दबाव में कोई न कोई बन गए, तो इसलिए अगर उनका टेस्ट कराया जाए, पूर्वजों का दिया जाए इतिहास, तो सब हिंदू थे। यहाँ डीएनए टेस्ट कराया जाए, बिल्कुल हिंदू थे, इसमें दोरा नहीं है। भागवत जी का बयान बिल्कुल सत्य स्वागत योग्य है और हम लोग प्रयास भी करते हैं कि जो हमारे मुसलमान भाई के पूर्वज जो पहले हिंदू होकर मुसलमान हो गए, उनको अपने विचारधारा में लाने का प्रयास भी किया जाता है और करते भी लोग हैं। और जो एक उन्होंने बयान और दिया है कि गाय हमारी माता है, बिल्कुल गाय हमारी माता है और माता हमेशा रहेगी। लेकिन जो लोग किसी एक सामूहिक बना करके और किसी की हत्या करें, वो गलत है। वो उनका विरोध किया, वो भी उनका जायज़ है, विरोध करना भी चाहिए। एक बार मैं फिर कहता हूँ कि जो भी हमारे भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान, प्रत्येक क्रिश्चियन, पहले उसके माता पिता पूर्व हिंदू थे, किसी लालच में आ गए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अब सारे के सारे सब हिंदू समाज में आ जाए, सबका समावेश हो जाए, ये अच्छी बात रहेगी। महाराज जी, इसके अलावा बात करें तो जो मॉब लिंचिंग को लेकर जो बयान आया, उस पर राजनीतिक दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, मॉब लिंचिंग उन्होंने सही क्या गलत कहा है? उन्होंने यही कहा ना कि गाय हमारी माता है, लेकिन इसके आधार बना करके और किसी की हत्या की जाए, वो गलत है। वो हिंदू नहीं, तो वो हिंदू, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हिंदू हो सकता है, ऐसा हमें कहें हिंदू है, वैसा नहीं है। लेकिन जो हत्याएँ हो रही हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। महाराज जी, इसके अलावा